लेट्स टॉक अबाउट मीडियन, ठीक है। सो मीडियन की बात करते हैं। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है? ऑनलाइन ऑनलाइन पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? कहाँ गए सब? हेलो, यस हाय, सर, यस, ओके, ठीक है। तो मीडियन की बात करते हैं, ठीक है। मीडियन इज बेसिकली मिड टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी रैंडम से डेटा लिख लेते हैं, ठीक, तो रैंडम डेटा लिखते हैं 2 6 8 9 4 3, ठीक है। 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो तन्मय, इसका मिड क्या होगा? ये होगा, करेक्ट। तो 9 इज द मीडियन। पहले अरेंज करेंगे हम, तो मीडियन जब भी निकालना है हमेशा हमें डेटा को पहले अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में, हमें किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है, बीट डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है। एंड अभी हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बहुत आसान है, हमें सिंपली क्या करना है, n+1 / 2, ठीक है। हमारे पास जो भी n है, n+1 / 2th टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, इसका क्या कह रही है सर, इज इन दैट फॉर इवन? नहीं, इवन के लिए होता है इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास हमारी मीडियन क्या होती है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा एक होगा एन टर्म, ठीक है, एक होगा एन टर्म, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये देखो, एक होगा एन एन बाय टू टूथ टर्म, ठीक है, एक बाय एन बाय टूथ टर्म, एंड एक होगा n+1, एक सेकेंड, n+1 by 2th टर्म, एक सेकेंड, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पहले कहानी सुनते हैं, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, उसको समझ लेते हैं, गलत लिखा है हमने थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास पहले इसकी निकालते हैं, फॉर्मूला भी थोड़ी देर में लिखेंगे। सो मान लो 2 6 8 9 4 3 7, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है, 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टर्म्स है। तो मतलब अगर मैं n 7+1/2 करूं तो क्या आएगा, 7+1 is 8/2, which is fourth term, ठीक है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3, फोर्थ टर्म कौन सा है, 6 मिड में आता है, ठीक है। तो हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो क्या मिलेगा हमें, हमें पता है कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो उसमें अगर हम एक ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टू करते, वो टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन, ठीक है। अब बात करते हैं एक डेटा सेट की जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो मान लेते हैं हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 3 8 9 12 14 16, ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं, एंड 18, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8 टर्म्स, ठीक है, 8 नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, ठीक है। अच्छा, क्या हाँ, तो ऑलरेडी, हाँ मैंने लिखा है ऐसे कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं निकालना चाहता हूँ, इसमें मैं निकालना चाहता हूँ मीडियन। अब इसमें मुझे दो टर्म्स को देखना पड़ेगा, अब देखो इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये दोनों ही बीच में लाए करते हैं, है ना, ये दोनों ही बीच में लाए करते हैं, ये कौन सा टर्म है, दिस इज 1 2 3, फोर्थ टर्म, मतलब n/2th टर्म, एंड ये क्या है, फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं n/2+1, ठीक है, n/2+1, ये दोनों टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है, टर्म। तो ये दो टर्म्स अगर हमारे पास, दिस इज ऑल, अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो 8/2 विच इज फोर्थ टर्म, एंड 8/2+1 विच इज 4+1 फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म अगर होंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मीन निकाल,
है, इन दोनों का मीन निकालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास मिडिल वैल्यू आएगी, मीडियन आएगा, ठीक है। तो n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। सो ये n अपॉन 2th टर्म क्या है, 4th टर्म व्हिच इज 9 प्लस n अपॉन ये कौन सा टर्म है, 5th टर्म कौन सा है, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना है, बोलो 10.5, ठीक है 10.5 है। तो मीडियन इस केस में क्या है, मीडियन 10.5 है। एंड ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन क्या था, मीडियन वाज 6। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, बीच में कौन सी वैल्यू लाया करती है, ठीक है, समझ आया तक सबको, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास सीक्वेंसेस भी दिए हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी थी हो तब देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला डेटा सेट है, इन्हीं का डेटा सेट लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे एक तरीके से एक्सआई सारे पॉइंट्स है, तो 20, 29, 28, 33, 44, 20, 29, 33। अच्छा ध्यान से देखो, अब मीडियन में हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना होता था, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जिस भी ऑर्डर में दे रखा है हमें ट्राई करना है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग में करते हैं छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 20, तो पहले 20 लिख दिया, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 6, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उससे छोटा, उसके बाद कौन सा है, 25, तो 25 की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20, उसके बाद 28 इज द क्लोजेस्ट वन एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 24, ठीक है, 28 क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ये देखो ना 28 क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी 24, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या, 28 से थोड़ा सा बड़ा 29 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 28, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 29 के बाद 30 तो है नहीं, तो 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 33, ठीक है, तो 33 की फ्रीक्वेंसी 15, नेक्स्ट 38 फ्रीक्वेंसी 4, नेक्स्ट 42 फ्रीक्वेंसी 2, नेक्स्ट 43 फ्रीक्वेंसी 1, और ये मार्क्स आउट ऑफ कितने हैं, 50 में से है मार्क्स, ठीक है अच्छा ओके। तो हमारे पास ये xi है, ये fi, अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए। तो मीडियन के लिए हमें पता है हमें क्या मिलनी चाहिए, अगर ये देखो पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, अगर हम समेशन fi करें तो समेशन fi करते हैं, समेशन fi कितना है, बोलो कैलकुलेट करो समकलन से, ठीक है। तो हमारे पास n क्या है यहाँ पे, इवन, करेक्ट, n हमारा इवन आ रहा है, तो हमारा मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन निकलेगा कैसे, मीडियन लाइ किन दोनों के बीच में करेगा, मीडियन विल लाइ बिटवीन, मीडियन विल लाइ बिटवीन, देखते हैं मीडियन किसके बीच में लाइ करेगा, सबसे पहले n अपॉन 2 व्हिच इज 100 अपॉन 2, ये देखो n अपॉन 2th टर्म कॉमा n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, तो 100 अपॉन 2 कॉमा 100 अपॉन 2 प्लस 1, तो 50th एंड 51st टर्म, करेक्ट, 50 एंड 58 51st टर्म, ठीक है, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि 50th टर्म आएगी किस में, ठीक है, 50th टर्म आएगी किस में हमें नहीं पता है। तो ये पता कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, इस पूरे टेबल को हम चेंज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, हम इसे चेंज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कहां तक दे रखे है, 20 तक,
तो हमें पता है अप टू 20, मतलब 0 से लेके 20 तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए 6, ठीक है। तो 6 इसे हम ऑल्सो लिखते हैं अप टू 20, ठीक है, या फिर लेस देन 20, अप टू 20 या लेस देन 20, सेम मतलब बन रहा है कि 20 से कम कम वाले सारे बच्चे इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 20 मिल गया हमें, ठीक है, या फिर अप टू 20 मिल गया। अच्छा, अब लेस देन 25 की बात करें, अच्छा 20 से कम वाले जो बच्चे हैं उन 6 बच्चे थे ऐसे, एंड 25 से कम वाले 20 25 वाले 20 है, मतलब कि 20 से लेके 25 कितने बच्चों के आए, 20 बच्चों के, 25 20 बच्चों के आए, है ना। एंड हमें पता है कि 20 6 बच्चों के आए, तो ऑब्वियसली जब हम लेस देन 25 इंक्लूड करेंगे तो हम जितने 25 जितनों के बच्चों के 25 आए वो भी इंक्लूड करेंगे, एंड जितने बच्चों के 20 आए वो भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लेस देन 25 है ना, लेस देन 25 तो 20 भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, तो 20 + 6 तो ये कितना आ जाएगा 26, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट लेस देन क्या लिखेंगे हम 28, ठीक है, लेस देन 28। अब लेस देन 28 में तीनों ही सेगमेंट्स आ जाएंगे, तो 24 + 20 + 6 तो ये कितना हो जाएगा 50, दिस इज 6 + 20 + 24 = 50। या फिर हम सिर्फ लास्ट वाली में ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव में, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव हमारी क्या आई थी, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव है सबकी साथ में मिला के फ्रीक्वेंसी क्या, क्यूमुलेटिव सम करके। तो अगर मैं लास्ट लेस देन 25 मुझे पता है 26 है, एंड मुझे पता है 28 24 बच्चों के आए हैं, तो 26 में मैं क्या ऐड कर देता हूं 24, 26 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तब भी मेरे पास 50 आ जाएगा। तो मैं लास्ट सीएफ में ऐड कर दूंगा फ्रीक्वेंसी तब भी मेरे पास आ रहा है, दो तरीके। तो इसमें हम ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लैश हम 26 + 24 भी कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्यूमुलेटिव पे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे लेस देन 29, ठीक है, इसके बाद लेस देन 29 लिखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे 50 + 28, दिस इज 78, ठीक है। उसके बाद लेस देन 33, तो हम क्या करेंगे 78 + 15 कितना हुआ 93। उसके बाद हम लेस देन 38 लिखेंगे, एंड देन उसमें क्या ऐड कर देंगे 93 में 4 विच इज 97। देन लेस देन 42, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे 99, एंड देन लेस देन 43, एंड इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अप टू क्यों लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है जिसकी वजह से इन्होंने अप टू लिख रखा है, बिकॉज ये इंक्लूसिव है। तो अगर हम लेस देन बोल रहे हैं तो हम 43 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम लेस देन एंड इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 43 हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने अप टू लिखा है rather than less than, बहुत स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि 43 इंक्लूड ही नहीं होगा अगर मैं लेस देन लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इन एनी केस अगर आप देखो तो लास्ट समेशन मेरी क्या आ रही है 100, जो कि टोटल था हमारे पास समेशन FI। इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट बच्चे के मार्क्स ही 43 आए, तो 43 तो सबके कम ही होंगे ना, लेस देन 43 सबके, तो 43 मतलब 40 या तो 43 के इक्वल है सबके 43 से कम। मान लो अभी क्लास में फॉर एग्जांपल हाईएस्ट मार्क्स 20 है, तो मैं बोलूंगी कितने बच्चों के आउट ऑफ 9 बच्चे कितने बच्चों के 20 से कम मार्क्स 20 या 20 से कम मार्क्स आए, आप बोलोगे सर 9 के 9 बच्चों के, ठीक है। तो वही आता है हमेशा, तो लास्ट सीएफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू लास्ट जो आपका सीएफ आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन एफ। चेक करने के लिए अगर आपको कभी चेक करना है आपका आंसर, तो ये ठीक है क्लियर है, ओके। तो हमारी जो 50th टर्म है वो 50th टर्म कहां 28 में लाई करेगी, ये देखो 50th, मतलब 50वां बच्चा जो हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वो 28 मार्क्स में लाई कर रहा है, एंड जो 51st बच्चा है वो कहां लाई कर रहा है, वो नेक्स्ट में लाई कर रहा है 29 में। तो हमें मीन किसके बीच में निकालना पड़ेगा, जैसे हमारे पास दो टर्म्स आती थी ना डिस्क्रीट में सिंपली, तो 28 + 29 डिवाइड बाय 2 करना होगा, आंसर आ जाएगा। ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसलिए इसमें मतलब क्या है कि ये जो देखो यहाँ
ये जो 20 बच्चे हैं, इन 20 के 20 बच्चों के नंबर कितने आए? 25 नंबर आए। इसका ये मतलब है 20 के 20 बच्चों के नंबर 25 आए। सिमिलरली 24 का यहाँ पर मतलब क्या है कि 28 बच्चों के नंबर 24 आए। डिस्क्रीट सीरीज है, ये रेंज नहीं है। अभी क्लास इंटरवल वाले करेंगे क्वेश्चन, तब थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो। ठीक है, समझ आया तक सबको? ठीक है, अब इसी टेबल को अगर हम क्या करें, हम बना दे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम बना दे से कॉन्टिन्यूअस या फिर क्लास इंटरवल्स बना दे तो कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स है जो कि मार्क्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से लेके 50, 50 60, 70, 70 80, 80 90 and 90 to 100। ठीक है, ठीक है, हमें दूसरा टेबल मिला है कि, एंड देन अब इसमें ये दूसरा टेबल आएगा सेम नहीं। हाँ ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है। अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7। ठीक है, हमें पता है जब हमें मिलियन का क्वेश्चन आया था, हमें पहली चीज क्या करनी है, हमें चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर में है रेंज। हाँ है, हमेशा ही होगा मेजोरिटी केसेस में। देन आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। अलग से टेबल कैसे? आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अप टू, ठीक है, या फिर लेस देन। अब ये देखो ये क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज में लास्ट नहीं आता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन 10, है ना। तो लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। ठीक है, देन लेस देन 20, 5 + 3, 8। देन लेस देन 30, 8 + 4। अब इस लास्ट फ्रीक्वेंसी में आप ये फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो 8 + 4, 12। देन लेस देन कितना? 40। सो अब 12 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना हुआ? 15। चलो ये कंप्लीट करो, एक बार जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लेस देन 50, लेस देन 60, पूरी कहानी आप लोग को लिखनी है, याद रखना लेस देन हर में ये दो डैश मतलब आ गया। बाय द वे, अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ जाते हैं इस क्लास में तो वो यहाँ इनमें से किसी भी इंटरवल में नहीं आएगा, वो इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, अगर किसी के 100 आते हैं, बट सिंस उन्होंने नहीं दे रखा तो वी अज्यूमिंग किसी का 100 नहीं है, सब नॉल आएगा। ठीक है, ओके, फिफ्टी 53 आ रहा है। एक नहीं कुछ नहीं, नहीं ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। ये ऑजस में लिखते हैं वैसे, इसके लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ सीएफ वाला लिखना होता है, एफआई के बाद सीएफ लिखना होता है, बस काफी। इसमें N53 है, समीशन एफआई, सॉरी ये समीशन एफआई कितना आ रहा है? 53 आ रहा है ना बस। अच्छा बताओ मुझे लेस देन 50 कितना है, जल्दी से टेबल कंप्लीट कराओ।
18, then 32, 29, 38, 45, 53, ठीक है, ठीक है, 53 है, 53 क्या है हमारे पास, ऑड है, 53 ऑड है, तो हमें सिंपली क्या है, हमें हमें ढूंढना है, ऑड है तो हमें n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म ढूंढना है, ठीक है, तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म कौन सा होगा, 53 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 54 अपॉन 2 और कितना 27, 27th टर्म, अच्छा 27th टर्म किस में आ रही है ढूंढते पहले, तो इससे पहले फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, हाँ लेकिन वो काफी नहीं है हमारा मीडियन निकालने के लिए, अच्छा तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढना होगा, ठीक है, देन हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें पता है कितनी है इस केस में 53 है, एन इक्वल टू समेशन एफ आई विच इज 53 जो लास्ट सीएफ भी आता है हमें, ठीक है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले का सीएफ सही है, ये फॉर्मुला हमेशा ढंग से याद रखना बिकॉज काफी बच्चे सेम मीडियन क्लास का सीएफ लिख के आ जाते हैं आंसर के बाद, तो आपको प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए अज्यूम करता हूँ कि मीडियन क्लास हमारी ये है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कौन सा सीएफ होगा, ये होगा सीएफ, इस सीएफ को लेना है, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, अब ये फ्रीक्वेंसी हमें किसकी चाहिए, मीडियन क्लास की, फॉर एग्जाम्पल ये मीडियन क्लास क्या है लेस देन 70 ये वाला इंटरवल, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड लास्टली क्लास साइज, अब सिंस इसमें सारे क्लास साइज इक्वल है तो हम क्लास साइज ले सकते हैं एच, ठीक है, ठीक है, नहीं ये कहते हैं चलो ठीक है समझ आया यहां तक सबको, अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं ये देख लेते हैं एक बार, तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, हमने n n अपॉन 2 निकाल लिया, n अपॉन 2th टर्म आ गया, ठीक है, हमें हर केस में अब ध्यान से देखो, अब हमें ध्यान से देखना, हमारे पास जो भी n दे रखा है बीट इवन बीट ऑड वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता अब n इवन हो n ऑड, हमें क्या करना है अब n अपॉन 2 करना है, ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है n upon 2 करना है, n upon 2 क्या आएगा इस केस में 53 upon 2, ठीक है, even odd वाला हम किस में कर रहे थे discrete series, जब हमें हर point की value पता थी, लेकिन जब continuous series बन गई है तो अब even हो odd हो में फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ n upon 2 करना है, तो 53 upon 2 this is equals to 26.5, ठीक है, अब median class वो class होती है जो जो भी हमारा n upon 2 आया है उससे ग्रेटर हो और क्लोजेस्ट, ग्रेटर और क्लोजेस्ट, ठीक है, तो मान लो अगर अभी हाइपोथेटिकली मानते तो हमारे पास दो सीएफ होते जिसमें एक 26 होता एंड दूसरा 58 होता, ठीक है, मान लो आपके पास क्लास इंटरवल, कुछ रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, एंड आपका फिर से एन आया है 26.5, तो आपका जो 0 से 20 का इंटरवल है उसमें आपकी उसकी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 26 एंड जो 20 और 30 है उसका 58, ठीक है, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, 10 टू 20 या 20 और 30, हमने क्या बोला मीडियन शुड बी ग्रेटर देन एन अपॉन 2 व्हिच इज 26.5 एंड क्लोजेस्ट टू, greater than and closest to, तो median class कौन सा हुआ 20 to 30, even though ये बहुत दूर है n upon 2 से, even though ये n upon 2 से बहुत दूर है, 26.5 से बहुत दूर है, लेकिन पहली condition क्या check करनी है हमने कि n upon 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 26.5 से बड़ा 26 तो नहीं हो सकता, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इसी को लेंगे, इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, तो इस केस में क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26.5 और 26.5 ग्रेटर से ग्रेटर क्या है 29, ठीक है, ग्रेटर देन 29 है, 22 तो नहीं है उससे ग्रेटर देन, ऑन क्लोजेस्ट फिर यही बना, तो हमारे पास 60 टू 70 का इंटरवल आ गया, क्या आ गया 60 टू 70 का इंटरवल मीडियन क्लास आ गया,
नाउ दैट वी हैव द मीडियन क्लास, अब फॉर्मूले में डाल देते हैं सारी वैल्यूज, तो मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की, तो 60 प्लस एन अपॉन टू, एन अपॉन टू कितना आया था हमारा, एन अपॉन टू आया था हमारा 26.5 माइनस सी एफ प्रोसीडिंग का कितना है 22 डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे क्लास की 7 इनटू एच कितना है 10 से कैलकुलेट करोगे आंसर आ गया। इन्होंने भी एग्जैक्टली ये करा है, देखो मीडियन हमारा लोअर लिमिट 60 26.5 माइनस 22 बाय 7 इनटू 10 तो इनका आ गया आंसर 66.4। सबको समझ आया, मीडियन कैन बी अ लिटिल ट्रिकी अगर आप ढंग से नहीं समझो तो, प्लीज समझ आ गया सबको, करें एक क्वेश्चन ट्राई करें। Giving you 1 minute to note down whatever you want to. Formula लिख लो, सबसे important है. And then जो भी मैंने बात बोली है उसे bold letters में और कैसे भी लिख लो कि CF जो हम लेंगे, CF ये वाली CF क्या है? ये CF preceding class का है, ठीक है? और कल का median class select कैसे करना है? N upon 2 से greater होना चाहिए और closest होना चाहिए। Why this happens? ये formula ऐसे क्यों बनता है? Closest क्यों लेते हैं? ऊपर वाली CF क्यों लेते हैं? Frequency क्यों लेते हैं? ये सब चीजें आप धीरे-धीरे सीखोगे, not in right in this class, ठीक है? It's not that कि आपको अभी समझ नहीं आएगा, just too complicated and we do not have that much time, but there is a reason हर चीज के पीछे and quite simple, not that difficult to be honest. लिख लो तो बताना आगे बढ़ेंगे। Into 10, 26.5 minus 22 is 4.5, 4.5 into 10, 45. ठीक है? चलो क्वेश्चन करो, ट्राई करो। इन्होंने पहले ही सीएफ दे रखी है, चलो ट्राई करो। अभी पता चलेगा कितने अच्छे क्यों नहीं है। हाँ, कुछ कमी है जो तुम्हें फॉर्मूला यूज करने के बाद पता चले, करना कर तो सही, निकालना पड़ेगा। सब आगे क्वेश्चन पे, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है हमें, कॉपी कर लेते हैं इसका टेबल, दिस इज एग्जांपल। अब इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, हमें इन्होंने क्लास इंटरवल नहीं दी, इन्होंने क्या दिया, सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड बोल दिया लेस देन 140। लेस देन 140 का मतलब क्या है, जीरो से लेके 140 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, पहली बात 4 है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जीरो से लेके 140 तक लिखूं मैं, या फिर मैं 135 से 140 लिखूं, एक ही बात है। जब पूरे जीरो से लेके 140 तक नहीं है तो 135 से 140 लिख देता हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे बराबर इंटरवल चाहिए, मुझे दिख रहा है 5-5 के गैप है, ठीक है, बराबर इंटरवल चाहिए 135 टू 140 का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है। लेकिन इससे पहले और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 4 होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 140 टू 145, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11, है ना, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, लेकिन 4 तो वो है जो 140 तक थे, तो 11 माइनस 4 कर देते हैं, 11 माइनस 4 कितना है,
4 - 7 7, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट 145 to 150, अब यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 29, है ना, यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 29, ठीक है। अच्छा 29 में से हमें पता है 145 तक तो 11 है, तो 29 माइनस 11 कर देते हैं, 18 आ जाए। तो इसी तरीके से आप करते जाओगे, 150 to 155 में आप क्या लिखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, एंड देन उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दोगे, तो 40 - 29 व्हिच इज इक्वल्स टू, बोलो 11, देन 155 to 160 व्हिच इज कितनी है 46, तो 46 - 40 6, 160 to 165 ये कितना है 51, 51 माइनस 46 इक्वल्स टू, बोलो 1, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंसेस आ गई, इंटरवल्स आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मीडियन ढूंढना है, तो मीडियन के लिए हम क्या करते थे, n अपॉन 2 निकालते थे पहले, तो 51/2 निकालते हैं, लास्ट क्या होती है क्यूमुलेटिव। अच्छा चेक करने का तरीका कि हमारी फ्रीक्वेंसी सही आई है, सारी फ्रीक्वेंसी सम करते हैं, 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46 + 5 तो हमने देख लिया कि हमारी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल है, हमने सही निकाला सर, ठीक है। तो हमारी 51 आ गई, अब हमें 51/2 करना है, तो ये क्या है 25.5 आया, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना, ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, ऐसी सीएफ ढूंढनी है जो ग्रेटर देन क्या हो 25 एंड नियरेस्ट, ठीक है। ग्रेटर देन 25 ढूंढते हैं पहले, तो ये 25 से बड़ा नहीं, ये 25 से बड़ा नहीं, ये 25 से बड़ा है, तो यही हो सकता है, एंड ये क्या है क्लोजेस्ट भी 25.5 के, और कोई तो 40 तो दूर है इससे ज्यादा, तो ये हमारा मिल गया हमें मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मिल गया हमें। तो फ्रीक्वेंसी हमें ये चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इससे पहले वाली चाहिए, लोअर लिमिट हमें ये चाहिए, तो हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस प्लस क्या होता है एन अपॉन टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इनटू एच। सारी हाइट हमने बराबर बनाई है, 5 की, सारे क्लास इंटरवल के बीच में इंटरवल कितना है 5 का है, तो दिस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज 145 प्लस एन अपॉन टू 25.5 माइनस सी एफ, इससे पहले वाला सी एफ क्या था 11, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 18 इनटू एच व्हिच इज 5। कैलकुलेट करो आंसर बताओ जल्दी, फाइनल बताओ। और सब भी करो, और देखो ये हमेशा लिखते हैं एंड में, इसका मतलब क्या है, लास्ट लाइन देखा करो, हाथ बनाओ,
हाफ काटूंगा वरना सीधा प्लस माइनस फोर, एक नंबर का क्वेश्चन है माइनस फोर कर सकता हूँ टीचर। देखो उन्होंने मतलब भी लिखा हुआ है, दिस मींस दैट द हाइट ऑफ 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन इन हाइट देन 50% टॉलर इन हाइट। इतने अच्छे से समझाते हैं एनसीईआरटी, कभी जिंदगी में कोई पढ़ता ही नहीं और तुम फिर बोलते हो एनसीईआरटी बेकार बुक है। तभी तो बाद में इंटरप्रिटेशन नहीं आती मेरी क्लास में, मेरी पूरी क्लास में आधे बच्चों को इंटरप्रिट नहीं करनी आती चीजें, मतलब ही नहीं पता था इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि ये सब चीजें तो कभी करी नहीं और तुम वही आधे बच्चे हो। ठीक है बता रहा हूँ तुम्हें पहले, अभी से डरा रहा हूँ जब समझ ऑब्वियसली पहले मैं भी नहीं था, बाद में करना पड़ा। जिनका ये हो जाए एग्जाम्पल लेट करो। कर तो सही पहले क्यों डर रहा है। 149.03 है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा, मैंने कुछ करने तो दिया ही नहीं, मैं तो कैलकुलेशन कर रही है। माइनस करके दिस विल कम आउट टू बी ये आएगा 145 प्लस दिस इज 25.5 माइनस 11 व्हिच इज 14.5 तो 145 / 180 × 5 ठीक है। सो जितना डिवाइड कर सकते हो कर लो, 5 से कर लेते हैं 25 से तो नहीं होगा तो 5 से ही कर लेते, तो 5 एक गया नहीं कितना बचा 5 315 5 इसका होता है 6 करना है वहां आ गया ना अगर शेयर से उठ के और जल्दी हो जाएंगे कैलकुलेशन। तो 145 प्लस 145 डिवाइड बाय 36, अब डिवाइड कर ले 145 को 36 से कितना मुश्किल है। नेक्स्ट करो क्या डिवाइड करके 14.0 कैसे आया 149.03 है तो उनको रिलेशन नहीं वो भी 14.03 नहीं है पीछे बोलना है तुम नहीं अच्छी बात है याद रखना है दोबारा मत बोलना। 36 है देखो ये 36 है ठीक है तो 36 × अगर हम 3 करते हैं ठीक है या 36 × 4 करते हैं 4 करके देखते हैं इसको तो क्या आएगा 144 ठीक है तो 144 आ रहा है बहुत क्लोज है ठीक है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है पहला नंबर अच्छा ट्राई करा हमने 44 - 1 बचा 0 ठीक है तो 36 से हो जाएगा नहीं तो एक 0 लगाना पड़ेगा 100 आ गया 36 अब 100 चाहिए मुझे ठीक है तो अब ध्यान से देखो अगर मैं 36 × 3 करता हूँ तो कितना आएगा 108 आएगा ठीक है तो मुझे ऑब्वियसली 36 × 2 करना पड़ेगा क्या हाँ पहले तो 0 लगाऊंगा लेकिन 14.0 does not mean 14.03 difference है बहुत 14.0 is 14 यानी 14 नहीं है 4 है ना ये 14 है ना ये 0 है तो ध्यान से 4 है 0.02 36 × 2 is 72 तो माइनस करा कितना बचा 28 तो 280 ठीक है 280 बचा ठीक है तो अब 36 × हम ऐसा करते हैं 8 करके देखते हैं तो कितना आएगा 36 × 8 288 आया ठीक है तो उससे जस्ट छोटा मतलब 7 होगा हमें और पॉइंट की जरूरत नहीं है तो हमने 3 पॉइंट्स तक देखा दिस इज 4.027 दिस इज 4.027 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो दिस इज 4.03 तो 145 प्लस 4.03 दिस इज 149.03 डिवीजन करना सीख ले तुम कहीं ऐसा ना हो कि ये लिखना पड़े ग्रुप पे कि बच्चों को डिवीजन नहीं आती है इधर ना आपका नाम भी टॉप में लिखा जाए और डिवीजन कराना मुझे कभी नहीं लगा था मुझे 10th क्लास बच्चों को ये कराना पड़ेगा
पीडीएफ से हटा देते, बेइज्जती हो तुम्हारी। नेक्स्ट किसी का हुआ? करो करो। तुम देखते हो ना हम क्लास के पैटर्न में क्या करते हैं, हम पहले एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूँ क्लास के साथ, फिर एक्सरसाइज आप खुद करते हैं, उसके डाउट लेते हैं, फिर हम असाइनमेंट करते हैं, तो कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता है। इसके बाद तन्मय के अगर 100% नहीं है फिर पढ़ ले, ठीक है जल्दी। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या सीखा था? हमने सबसे पहला स्टेप सीखा था मीडियन निकालने के लिए। मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, मीडियन कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो, मीडियन दिया हुआ है 525 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100, मतलब इसका टोटल क्या है 100, समेशन fi इज 100। अच्छा मीडियन कितना दे रखा है 525, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी देखते हैं सबसे पहले। तो अप टू 100 कितनी होगी 2, देन 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, देन 7 प्लस x, देन 7 प्लस x प्लस 12, सो 12 प्लस 7 इज 19 प्लस x, देन 19 प्लस 17 36 प्लस x, देन 36 प्लस 20 56 प्लस x, देन 56 प्लस x प्लस y, then 56 plus 9 is 65 plus x plus y, then 72 plus x plus y, then 76 plus x plus y। हमें पता है कि इस टोटल क्या है यहाँ पे 100, हमें पता है कि लास्ट ये क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 76 plus x plus y is equals to 100, करेक्ट। तो x plus y कितना आ गया 24, पहली चीज हमें मिल गई। ओके ठीक है, अब n अपॉन 2 करते हैं, n अपॉन 2 करेंगे 100 अपॉन 2 व्हिच इज 50, ठीक है। तो हमें 50 से बड़ा ढूंढना है, ठीक है 50 से बड़ा ढूंढना है, ठीक है 50 से बड़ा ढूंढते हैं, ठीक है। तो 50 से बड़ा कौन सा होगा देखते हैं, जस्ट अबव 50, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 24, करेक्ट। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 24 हो सकती है, ठीक है। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी ये बताओ, हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी ये बताओ, ये मतलब 56 प्लस x वाली, क्यों ये नहीं हो सकती 36 प्लस x, 36 प्लस x क्यों नहीं हो सकती ये बताओ पहले, एक बार वो चेक करता हूँ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकाली ना सारे, तो 19x 36 56 56 65 ठीक है ठीक है। चलो बताओ तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, क्या आई जस्ट वांट टू नो कि हमारी, गुड वेरी गुड। तो मीडियन हमें क्या दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा है 525, ठीक है मीडियन हमें क्या दे रखा है 525 है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम 400 लेते हैं, ठीक है 400 हम लेते हैं, अगर हम 400 लेते हैं, ठीक है दिस इज अ कॉमन थिंग कि अगर हम 400 इंटरवल वाला 400 वाला इंटरवल लेते हैं तो हमें 400 प्लस जो भी करूंगा मैं प्लस 125 करना पड़ेगा, है ना। एंड हमारे दोनों के बीच में गैप कितना है 100 का, ठीक है हमारे दोनों के बीच में गैप कितना है 100 का है, ठीक है। एंड हमारी जो CF, जो हमारी पास जो नई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास n अपॉन 2 क्या है 50 माइनस, ठीक है 50 माइनस में जो भी करूंगा उससे ये हमें जरूरी है क्या है कि बड़ा नंबर आएगा, पिछले कुछ क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले ये क्या नंबर आया था, दिस इज 14.5 डिवाइड बाय 18, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है मतलब छोटा ही आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, इस केस में हमारे क्या आया था याद है किसी को, हाँ दिस इज 20
4.5 माइनस 22 कितना होगा, 4.5 डिवाइड बाय 7, अगेन इससे छोटा है ना, तो मतलब 400 लेके तो हम कभी भी 525 पे नहीं आ सकते थे मीडियम, ठीक है। तो हमारा जो भी मीडियम की पहला डिजिट दे रखा होता है, पहला डिजिट दे रखा होता है हमारा 100 का गैप है, तो वो क्या है, हमारा मीडियम क्लास बन रहा है, ठीक है। अभी थोड़े और डिटेल में बात करेंगे कि मीडियम क्लास कैसे ढूंढना है, लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि हमारा 500 टू 600 क्या है, मीडियम क्लास, ठीक है। 500 टू 600 मीडियम क्लास है मेरा, तो फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। तो अगर 500 टू 600 मेरा मीडियम क्लास है, इन एनीवेज बहुत ही ध्यान से एक बात सुनो, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं, जब मीडियम क्लास दिया है इतनी कहानी, बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, हमें क्या दे रखा है 525 मीडियम, हां ना। 525 किसके बीच में लाएगा, 500 टू 600, तो मीडियम क्लास क्या हो, ऑब्वियसली यही होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है मीडियम क्लास, नहीं ना। तो हम कुछ भी नहीं देखे, हमारे पास सिंपली जो भी नंबर दे रखा हो, मान लो आपको मीडियम दे रखा होता 750, ठीक है, मान लो आपको मीडियम 750 दे रखा हो, तो आपको पता है कि ये लाइक इसमें करेगा 700 to 800, तो मीडियम क्लास तो आपको पता ही, मीडियम देते ही आपको मीडियम क्लास पता चल जाती है, तो मीडियम क्लास हमें क्या मिल गई, 500 to 600। अच्छा, अब हमें मीडियम क्लास मिल गई, तो इसमें मार्क कर देते हैं हम सारी चीजें, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, 500, हाइट कितनी है 100, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी क्या है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें किसकी लेनी है, इससे पहले वाले की, इससे पहले वाले की लेते थे हम, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स, ठीक है। तो लिखते हैं 525 मीडियन इज इक्वल्स टू एल व्हिच इज 500 प्लस n upon 2 50 माइनस cf कितना है 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय f कितना है 20 इनटू 100, ठीक है। तो ये 4, ठीक है, ये उधर जाके कितना हो 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 कितना होता है 14 माइनस एक्स इंटू 4 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। सो 14 इंटू 4 इज 40, क्या 14 इंटू 4 56 माइनस 4x इज इक्वल टू 25, ठीक है, x उधर ले जाते हैं, 25 उधर ले जाते हैं, 56 माइनस 25 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 56 माइनस 25 कितना हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हो रहे, कुछ गलत करें क्या, इंटू 5, ओ सॉरी 4 लिख दिया मैंने, ये 5 हो, माय बैड, This is 5, ठीक है, तो 5, तो 25 is equals to 14, 5, ठीक है, minus 5x, ठीक है, so 5x is equals to 70 minus 25, x is equals to 70 minus 25 is 45 by 5, तो x कितना आ गया, 9, अगर x 9 है तो y कितना है, मिल गया x y, ठीक है, समझ आया सबको ये क्वेश्चन, लिखो अच्छा क्वेश्चन, पेपर में डालूंगा, एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने दे दूंगा, या फिर डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड, और इधर आईआईटी, बताओ इतनी अच्छी बातें लिखी है जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, हाउ द एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट द मीन, सो मीडियन इज अ मोर रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स, माय गॉड, पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो एनसीईआरटी, इतनी अच्छी बुक नहीं देखी ना, इतने छोटे लेवल पर तक सिखा रहे हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ठीक है, समझ आया सबको, यस सर, यस सर, ये बाद में हम करेंगे, एम्पिरिकल एविडेंस वाला ड्रामा बाद में करेंगे, ठीक है, ड्रामा नहीं अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करती है, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो कहूंगा, सही होमवर्क नहीं होगा, तो होमवर्क ही है वैसे तो, लेकिन एक तो ट्राई भी करने लगू, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आप किसी डेटा सेट का मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालते हो तो वो ये रिलेशनशिप फॉलो करेगा जनरली, वैसे दिस फॉर्मूला इज, अगर तुम जो भी क्वेश्चंस करोगे उसमें यूज कर सकते हो,
ठीक है, बट ये जनरली कब अप्लाई होता है, जब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो तुमने अभी नहीं पढ़ी है। दूसरी बात, हम वैसे लगते हैं थ्री मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, ठीक है, बट इन्होंने इक्वल टू दे रखा है क्योंकि अभी हमारा बचपन है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये एक नंबर इक्वेशन में आ सकता है। मान लो आपको मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, मीडियन और निकालना है मीन, ठीक है, दो चीजें दे दी, तीसरा निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज करके याद रखना। फॉर्मूला क्या है, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, ठीक है, जिसको कोई नॉर्मल बनाना उसको बना लेना, जिसको जानना हो क्यों होता है तो हम बता दो मेरी बात टाइम यूज क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ वैसे सोच रहा है नॉट क्योंकि मैं थकता तो हुई नहीं, मैं रिवॉर्ड हूँ, सुबह चला दो और फिर बंद रात को 12 बजे कर दो, सो जाएगा, सो जाएगा वो। मान रहे हैं।